साथियों, आज सुशासन के लिए समर्पित देश के सबसे महान व्यक्तित्वों में एक हम सभी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस भी है। अटल जी के जन्म जयंती को देश आज सुशासन दिवस के तौर पर मना रहा है। भाइयों और बहनों, सुशासन का मतलब जन सरोकार है, सामान्य मानवीय के जीवन को बेहतर बनाने का संस्कार है। अपने पराए तेरा मेरा, इससे ऊपर उठकर जब देश समाज के बेहतर भविष्य के लिए फैसले लिए जाते हैं, जीवन को आसान बनाने वाली व्यवस्थाओं और संसाधनों का निर्माण किया जाता है, तब सुशासन सुराज्य की तरफ बढ़ता है। जब सबका साथ सबका विकास के ध्येय मंत्र के साथ कार्य होता है, देश के संतुलित विकास पर जोर रहता है, तब सुशासन सुराज्य की तरफ बढ़ता है। साथियों, यही प्रयास बीते 4.5 वर्ष से केंद्र और अब आसाम की सरकार हो, अरुणाचल की सरकार हो, ये निरंतर कर रही है। मुझे खुशी है कि आज के पवित्र दिन सुशासन के एक बड़े प्रतीक ऐतिहासिक बोगीबील रेल रोड बीच के लोकार्पण के साक्षी हम सभी बने हैं। ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। एक साथ गाड़ियां और ट्रेन की रफ्तार और भार सहने की इसकी क्षमता देश की सामरिक शक्ति को भी कई गुना सुदृढ़ करने वाली है। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है। ईटानगर से डिब्रूगढ़ की रेल यात्रा अब करीब 700 किलोमीटर घटकर 200 किलोमीटर से भी कम रह गई है। ट्रेन से जिस सफर में पहले लगभग 24 घंटे लग जाते थे, अब वही सफर सिर्फ 5-6 घंटे का रह गया। करीब 5 किलोमीटर के इस पुल से असम के तिनसुकिया और अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन के बीच दूरी ही कम नहीं हुई है, लोगों को अनेक परेशानियों से भी मुक्ति मिली है, उनका जीवन भी आसान हुआ है।